अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी तारीखी शख्सियात के बारे में बताएंगे कि उन्होंने मौत से पहले अपनी ज़िंदगी के आखिरी खाने में क्या खाया और उसके चंद लम्हों के बाद ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एडोल्फ हिटलर का नाम सुनकर तारीख में जंग अजीम की हौलनाक तबाहकारियाँ नज़र के सामने घूम जाती हैं। हिटलर को बुरा और शैतान खसलत इंसान भी समझा जाता था। हिटलर ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में क्या खाता था और उसने मौत से कबल आखिरी क्या खाया, इसके बारे में आपको बताएंगे। हिटलर की ज़ाती शेफ ने अपने एक लिखे के ख़त में इस बात का इंकशाफ किया था कि हिटलर ज़्यादातर सब्जियाँ खाना पसंद करता था। उसे अलसी के तेल के साथ पनीर खाना पसंद था। उसने गोश्त की जगह मशरूम को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया हुआ था। मीठे के तौर पर हिटलर कद्दूकश किए हुए सेब खाया करता था और कभी कभार वो रात के औकात में केक भी शौक से खाता था। जंग के दौरान हिटलर ने खुद को एक बंकर तक महदूद कर लिया। हिटलर ये फैसला कर चुका था कि वो जंग हार जाएगा, तो हिटलर और उसकी बीवी ने हल्का फुल्का खाना खाया जिस तरह स्पेगेटी और टमाटर की चटनी पर मुश्तमिल था। हिटलर खाने के दौरान जंग के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता था, इसलिए दोनों ने खाने के दौरान लिपस्टिक और कुत्तों की नस्लों पर बातचीत की। इसके बाद वो अपने ऑफिस गया, खुद को गोली मारकर ज़िंदगी ख़त्म कर लिया। उसके थोड़ी देर बाद इसकी बीवी ने भी खुद को गोली मार